सीतापुर धौरहरा की सांसद रेखा वर्मा ने उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने महोली की एसडीएम पूनम भास्कर पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने धान खरीद में होने वाले भ्रष्टाचार के इस खेल की जांच शासन स्तर से कराने की मांग की। धौरहरा की सांसद रेखा वर्मा ने जो शासन को पत्र लिखा है, उसके आधार पर धान खरीद वर्ष 2022-23 में सीतापुर जिले की महोली तहसील के अंतर्गत होने वाले भ्रष्टाचार में उपजिलाधिकारी पूनम भास्कर की भूमिका संदिग्ध है। उपजिलाधिकारी द्वारा बहुत से ऐसे किसानों की खतौनियों का सत्यापन कर दिया गया, जिनकी भूमि पर वर्तमान समय में गन्ने की फसल खड़ी है, या फिर ऐसे किसानों का सत्यापन कर दिया गया है जिनके पास भूमि ही नहीं है। इस प्रकरण को लेकर समाचार पत्रों ने बीते दिनों खबरें प्रकाशित की तो एसडीएम ने अपना बचाव करते हुए अपने कार्यालय के स्टेनो को निलंबित कर दिया, जबकि सत्यापन का कार्य करने की जिम्मेदारी स्वयं एसडीएम की होती है। धौरहरा सांसद रेखा वर्मा ने ये भी कहा कि जब से पूनम भास्कर ने कार्य संभाला है, महोली तहसील भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया। उपजिलाधिकारी न्यायालय के कार्यालयों में जब तक एसडीएम तथा कथित एजेंटों से ना मिला जाए, तब तक कार्य नहीं हो सकते। जनता के छोटे छोटे कार्यों में क्षेत्रीय लेखपाल व कानूनगो द्वारा फंसा कर रखा जाता है। इसकी जानकारी जब एसडीएम को दी जाती है, इसके पश्चात भी वो कार्य बिना लेन देन के नहीं होते। इस तहसील में संबंधित जनता के छोटे छोटे कार्यों को कराने के लिए जनता को जिलाधिकारी कार्यालय से आदेश कराना पड़ता है। इस तरह के आरोप धौरहरा की सांसद रेखा वर्मा ने शासन को भेजे गए पत्र में लगाए हैं। आपको बताते चलें कि सांसद धौरहरा भले ही लखीमपुर खीरी में आता हो, लेकिन सीतापुर जिले की दो विधानसभा है, जिसमें महोली तथा हरगांव शामिल हैं, उन्हीं के सांसद क्षेत्र में आती है। इस संबंध में जब एसडीएम महोली पूनम भास्कर का पक्ष जानने के लिए उनके मोबाइल सीयूजी नंबर पर फोन किया गया, तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की, जिससे उनका पक्ष नहीं जाना जा सका।